दोस्तों, पिछले कुछ सालों से भारत दुनिया भर के पावर एंड पॉलिटिक्स का केंद्र बना हुआ है और इसकी वजह है दुनिया के कट्टर दुश्मन देश अमेरिका व यूरोपियन देशों के सामने रसिया और चाइना का बढ़ता गतिरोध। और क्योंकि भारत की लोकेशन और राजनीति इस समय इन सभी देशों के बीच एक बैलेंसिंग पोजीशन पर है और जिस ग्रुप की भी तरफ भारत के सपोर्ट का पलड़ा झुकता है, समझो वही ग्रुप इस ग्लोबल पावर की खींचातानी में आगे निकल सकता है। क्योंकि भारत और चीन के पास न सिर्फ दुनिया की बेहतरीन फौज है, बल्कि ये दोनों ही देश मिलकर दुनिया की लगभग आधी जनसंख्या और सबसे बड़ा बाजार भी रखते हैं। लेकिन चीन और भारत के बीच दुश्मनी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और पाकिस्तान तो पहले से ही भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। ऐसे में तो भारत पाकिस्तान के खिलाफ रशियन हथियारों की मदद ले सकता है, लेकिन चीन जो कि इस समय रूस का सबसे गहरा मित्र है, इसलिए उसके खिलाफ भारत को पश्चिमी देशों का सहारा लेना ही होगा। यही नहीं बल्कि भारत को अपने आप को भी इतना सक्षम बनाना होगा कि यदि बाहरी देशों से मदद ना भी मिले तब भी भारत अपने आप में भी एक सुपर पावर देश बन सके। इसके लिए भारत लंबे समय से प्रयास तो कर ही रहा है, लेकिन हाल ही के वर्षों में विश्व राजनीति में हो रहे तेज बदलावों को मद्देनजर भारत ने अपने डिफेंस को मजबूत करने की रफ्तार तेज कर दी है। और एक तरफ जहां भारत दुनिया भर से एक से बढ़कर एक बेहतरीन एडवांस और घातक हथियार खरीद रहा, तो वही दूसरी ओर भारत देश के घरेलू डिफेंस इंडस्ट्रीज को बूस्ट प्रदान करते हुए नए नए हथियारों का निर्माण कर रहा है। इस समय भारत के पास कुछ ऐसे खास हथियार मौजूद हैं, ये जल्द ही सेना में शामिल होने वाले हैं, जिनका डंका पूरी दुनिया में बजता है। और इस वीडियो में हम ऐसे ही भारत के टॉप 5 हथियारों की जानकारी देखने वाले हैं। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। सबसे पहले बात करते हैं भारत के INS अरिहंत के बारे में। ये भारत में निर्मित पहली न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। न्यूक्लियर पावर होने के दम पर यह सालों तक समंदर की गहराई में किसी भी गुप्त लोकेशन पर तैनात रह सकती है और जरूरत पड़ने पर किसी भी देश पर भयानक तरीके से बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइलों से हमला कर उसे तबाह भी कर सकती है। दुनिया में फिलहाल केवल 6 देश ही हैं जिनके पास सेकेंड न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की है जबरदस्त डिस्टेंस क्षमता मौजूद है। क्योंकि मान लीजिए कि यदि कोई देश भारत की सभी जमीन पर मौजूद न्यूक्लियर साइट्स पर पहले ही परमाणु हमला कर उन्हें नष्ट कर देता है, तब भी भारत अपनी इस गुप्त सबमरीन पर मौजूद गुप्त बैलिस्टिक मिसाइलों से उस देश पर तगड़ा जवाबी हमला कर सकता है। और इसी डर से कोई भी देश भारत पर पहले परमाणु हमला करने की रिस्क नहीं लेना चाहेगा। इसके बाद बात करते हैं अग्नि मिसाइल के बारे में। भारत एक न्यूक्लियर पावर रखने वाला देश है और साथ ही अपनी घातक न्यूक्लियर वारहेड को अपने दुश्मन देशों के किसी भी हिस्से में हमला करने में क्षमता रखता है। इसी क्षमता में नाम आता है भारत की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का, जो कि अपनी ताबड़तोड़ 24 मई की तेज रफ्तार के साथ 5,500 से लेकर करीबन 8,000 किलोमीटर की लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम है। अभी हाल ही में भारत ने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और इसका अगला वर्जन यानी अग्नि 6 करीबन 12,000 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम होगा। लेकिन चीन की सांसें तो अग्नि 5 को लेकर ही फूलने लगी है, जिसने अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारतीय मिसाइलों की बढ़ती क्षमता पर अंकुश लगाने की बातें करना शुरू कर दिया है। अग्नि सीरीज की न्यू जनरेशन अग्नि प्राइम न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल भी अपने एक्यूरेसी के लिए भी जानी जाती है। दोस्तों, अब तक हमने भारत की अटैकिंग क्षमता देखी, लेकिन अटैक के साथ साथ एक देश को दुश्मन के घातक हथियारों से बचने के लिए भी अपनी डिफेंस क्षमता को बढ़ाना पड़ता है। और इसी के लिए नंबर 3 पर हम देखेंगे भारत का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम।
दुनिया में केवल अमेरिका, रशिया और इजराइल के बाद अब भारत ही एक ऐसा देश है जिसके पास दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने की क्षमता है। भारत अपनी पृथ्वी एयर डिफेंस और एडवांस एयर डिफेंस के दम पर लॉन्ग रेंज व शॉर्ट रेंज से आने वाली दुश्मन की बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट कर हवा में ही तबाह कर सकता है और दुश्मन के पहले न्यूक्लियर हमले को नाकाम करने की क्षमता अब भारत के पास है। भारत की इस क्षमता पर पकड़ हासिल होने के बाद अमेरिका ने भारत के साथ इस क्षेत्र में साथ मिलकर काम करने की बात कही, तो वही पाकिस्तान व चाइना ने भारत की बढ़ती ताकत से डरते हुए साथ मिलकर अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए संकेत दिए। इसके बाद है राफेल मल्टी रूल फाइटर जेट, जो कि 4.5 जनरेशन मल्टी रूल एयरक्राफ्ट है, लेकिन चीन के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट J-20 को भी टक्कर देता है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए दुनिया के कई देश जमकर इसे खरीद रहे हैं और भारतीय वायुसेना में इसके शामिल होने के बाद चीन व पाकिस्तान द्वारा अपने एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करना और कतर से राफेल के सीक्रेट का पता करना ये दर्शाता है कि भारतीय राफेल और उसके दुश्मनों पर कितना घातक हो सकता है। इसके बाद है सबसे बेहतरीन मैन बैटल टैंक्स में से एक रशियन T-19 टैंक। रसिया और भारत ने मिलकर भारतीय सेना की जरूरतों के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर बनाया है T-19 भीष्मा, जिसकी 2000 से ज्यादा यूनिट्स भारत के पास मौजूद है और यूक्रेन युद्ध में देखा गया है कि ये टैंक्स एंटी टैंक मिसाइलों व माइंस आदि के हमलों के बाद भी ऑपरेशनल रहता है, जो कि इस टैंक की अटैकिंग व डिफेंसिव दोनों ही क्षमताओं को साबित करता है। ये एक रशियन टैंक है जिसकी संख्या भारत के पास रशिया से भी ज्यादा है। तो दोस्तों, यही है भारतीय फौज के पास मौजूद 5 सबसे बेहतरीन हथियार जिनका डंका पूरी दुनिया में बजता है। वैसे दोस्तों, आगे आप किस देश के टॉप 5 हथियार के बारे में जानकारी देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।